हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षरा सिलाई सेंटर। आज मैं आपको अप डाउन फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग और स्टिचिंग के लिए वीडियो दो पार्ट्स में होगी। कटिंग फर्स्ट पार्ट में आप कटिंग देख सकते हो, सेकंड पार्ट में आप स्टिचिंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। देखिए, फ्रॉक की लेंथ 34 और 44 होगी, क्योंकि हमारी आगे से शॉर्ट होगी और पीछे से लॉन्ग होगी। चेस्ट हमारी 32 इंच है, वेस्ट 26, चोली की लेंथ जो है वो 13.5 यानी 13.5, शोल्डर 13.5, नेक बोट बनेगा 10/5 का बनेगा। स्लीव्स हमारी 19 इंच की है। फिटिंग हमारी आस्तीन की जो फिटिंग है वो हमारी 8 इंच की है, ये प्रॉपर फिटिंग में रखी जाएगी। चलिए इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है, ये नेट फैब्रिक है, ये हमने 3 मीटर लिया है। इसको हम जितना हो सके कम कपड़े में ही करने के लिए करेंगे, कम से कम कपड़ा ही यूज में लेंगे हम। देखिए, हम इस तरीके से पहले खोल लेंगे इसको और फिर ट्रायंगल फोल्ड देंगे। हम पहले इसके घेर निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारी गोलाई से कपड़ा बचेगा उसमें हम चोली और स्लीव्स निकाल लेंगे अपनी। देखिए, हम इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे इसको, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हम अपने पहले कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 26 इंच है, 26 में हम 2 इंच की क्लोजिंग प्लस करेंगे, 26 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। इसका हम फोर्थ पार्ट लेंगे तो 7 इंच आएगा, 7 इंच इस तरीके से हम निशान लगा देंगे 7 इंच पर। देखिए, हम इस तरीके से कोना खोल लेंगे, हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 8.25 इंच है, यहाँ पर भी हमारा 8.25 इंच है, तो 8.25 पर ही होना चाहिए मेरे। अगर हमारे यहाँ पर 9 इंच आता है तो 9 इंच पर जितना भी हमारे यहाँ से यहाँ तक बैठेगा उतना ही हमारा यहाँ से यहाँ तक बैठना चाहिए। कमर आ गई हमारी 7 इंच। अब हम इसमें लेंथ लेंगे, लेंथ हम चोली का मार्जिन छोड़ते हुए लेंगे। जो चोली है हमारी 13.5 इंच की है, हम 13 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। और पीछे की जो लेंथ है वो हमारी 44 इंच की है। देखिए, इस तरीके से हम 44 पर निशान लगाएंगे। अगर आप नीचे पिको करा रहे हैं तो आप सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें, और सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। मैं इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ पिको कराऊंगी। और देखिए, 13 इंच मैंने ऊपर निकाला हुआ है क्योंकि हमारी चोली लगेगी। अब हम यहाँ तक जहां तक हमने निशान लगाया है इस कॉर्नर से नापेंगे। ये हमारा 40 इंच आ रहा है, तो हम 40 इंच पर हम गोलाई में निशान लगाएंगे इस तरीके से। ध्यान रखना है हमारा यहाँ से इंच टेप सरकना नहीं चाहिए। 40 इंच पर ही हम निशान लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसको पहले कट कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको ही इस तरीके से ही लेंगे। अब हम इधर साइड से हम फ्रंट निकालेंगे अपना। देखिए, हमें कम से कम अपने 10 इंच हमें छोटा चाहिए फ्रंट, तो हम ये गोलाई जो है हम अपने फ्रंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा कम से कम कपड़े में भी हो जाएगा। देखिए, हमने इस तरीके से बिछाया है इसको। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, जो हमारा ये कम आ रहा है यहाँ पर हम इसकी शेप दे देंगे, अप कर देंगे हम इसको, शॉर्टकट हो जाएगा ये हमारा। ऊपर से बिल्कुल कमर का साइज एक साथ मिलाते हुए एक बार हम चेक करेंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। साइड से हम बिल्कुल एक साइड इसी के बराबर हम कट कर लेंगे,
जितना हमारा ये बैक है, कमर का साइज भी हम सेम ही कट करेंगे। देखिए अब हम यहां से साइज लेंगे, 13 इंच पर रखेंगे। अब हमें 34 इंच रखना है फ्रंट का हिस्सा, तो हम 34.5 पे ले लेंगे। इस तरीके से शेप देंगे, यहां से हमें इतना ही मिला देना है। फ्रंट की लेंथ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप इससे भी शॉर्ट करना चाहे इससे शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग करना चाहे थोड़ी और लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए हमारी इस तरीके से कटिंग हो गई है, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। अब हम इसके ऊपर से चोली कट करेंगे। चोली कट करने से पहले ये हमारा बच्चों का कपड़ा है, इसमें से हम चोली आराम से हमारी कट हो जाएगी, स्लीव्स भी निकल जाएगी। अब हम पहले इसकी लाइनिंग निकाल लेंगे, क्योंकि हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे चोली की। देखिए हमारे पास लियोन है, आप इसमें लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। लाइनिंग भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड कर लेना है हमें। 7 इंच हम कमर ही रखेंगे। ऊपर चोली का मार्जिन छोड़ते हुए लेंथ लेंगे। देखिए अब हमारी लेंथ जो है वो हमारी 44 इंच रखी थी हमने नेट की, हम इसे 2 इंच कम रखेंगे, क्योंकि हमारी लाइनिंग की लेंथ जो है वो शॉर्ट ही रहती है, तो हम 42 इंच रखेंगे। और मैं इसमें सिलाई से फोल्ड करूंगी तो इसलिए 1 इंच बढ़ा लूंगी, 43 इंच, 43 इंच। देखिए अब हम इस कॉर्नर से लेंगे तो ये 39 इंच आ रहा है, 39 पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इन निशानों को मिलाते हुए मार्क लगा देना है, ठीक निशान पर ही हम कट करेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट अपनी नेट में से निकाला था, इसी तरीके से हम इसमें से भी लाइनिंग में से भी निकालेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसको रखेंगे। कमर का साइज ऊपर से बिल्कुल मिला लेना है। यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। यहां से हम साइड में और कमर की साइज से हम बिल्कुल सेम कट कर देंगे। देखिए अब हमारा इस तरीके से जो निशान है, अब हमें 34 इंच लेंथ हमने फ्रंट की रखी थी, इस तरीके से हमने 1 इंच से भी घटाया है बैक को भी, तो हम 1 इंच ये भी घटा देंगे और इस तरीके से मार्क करेंगे जैसे हमने फ्रंट की शेप का करा था। आप चाहे तो नेट भी रख के कर सकते हैं। देखिए हम निशान पर ही कट कर देंगे। देखिए हमारी बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो चुकी है, लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है।
देखिए, अब हम अपने टॉप की चोली की कटिंग जो करेंगे, हम पहले लाइनिंग पर मार्क करेंगे। देखिए, हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे पहले और फिर फोर फोल्ड करेंगे। हम अपने चेस्ट का मार्क देख लेंगे कि हमारी चेस्ट जितनी बैठ रही है, हमारी 32 चेस्ट है। हम इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, 32 में हम 3 इंच की ऐड करेंगे लूजिंग, तो ये 35 इंच हो जाएगा। इसको हमें फोर्थ पार्ट लेना है, तो 8.6 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 8.6 है हमारे पास, आगे काफी मार्जिन भी है, तो हम इस तरीके से ही कट कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा इधर से अरस कम है तो आप इस तरीके से करके कटिंग करें, डबल फोल्ड में, फोर फोल्ड में, इस तरीके से हो जाएगी। मैं इसको डायरेक्ट पहले डबल फोल्ड कर रहा है और फिर फोर फोल्ड कर रही हूँ मैं, इस तरीके से। देखिए, हम ऊपर से पहले स्ट्रेट कर लेंगे इसको। हमारी जो चोली की लेंथ है वो हमारी 13.5 इंच है। 13.5 में हमारा 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे अटैच करते हुए जाएगा, तो ये हम 14.5 पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 13.5 इंच है, बॉट नेक बनेगा इसका, तो हम 13.5 में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। 14.5 हो गया, 7.25 पर हम यहाँ हाफ करके रखेंगे। 7.25 के लिए हम लेंथ लेंगे इसकी, इस तरीके से एक मार्क यहाँ पर करेंगे। 7.25 पर ही हम यहाँ पर इसकी लेंथ लगाएंगे। इस तरीके से हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे। 1 इंच के करीब हम इस तरीके से गैप लेते हुए आर्म होल की शेप देंगे। अब हम इस लाइन से 1 इंच बैक जाएंगे, ये हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप दी होगी, इस तरीके से। पर हम निशान लगाएंगे नेक के लिए, इस तरीके से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हम अपनी चेस्ट का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर चेस्ट में हमने 32 में हमने 3 इंच प्लस करनी है, तो ये 35 इंच हो जाएगा। 35 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे 8.6 आएगा। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। वेस्ट हमारी 26 है, उसमें भी हमें 2 इंच की लूजिंग दी थी, 7 इंच आएगा फोर्थ पार्ट। 28 का फोर्थ पार्ट हमारा 7 इंच आएगा। इस तरीके से हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। आगे मार्जिन जितना हमने यहाँ पे छोड़ा है उतना ही आप नीचे छोड़ सकते हैं। देखिए, हमारी लाइनिंग की मार्किंग पूरी हो गई है, हम इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देखिए, एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और एक नेक की चौड़ाई के लिए कट लगाएंगे। अब हम इसको ठीक इसी को रखते हुए हम ये नेट फैब्रिक भी कट करेंगे अपना। देखिए, हम नेट फैब्रिक को भी हम इसी तरीके से पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और लाइनिंग को अपने रखते हुए इसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से रखते हुए हम कट कर लेंगे। देखिए, हमारी चोली की भी कटिंग हो गई है और इधर साइड से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। देखिए, हम आस्तीन निकालते वक्त भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। हमारे जो मोंडा है वो हमारा 7.5 इंच का है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। इस तरीके से हमारा 7.5 होना चाहिए, 8 है, ये एक्स्ट्रा ही है।
स्लीव्स हमारी 19 इंच की है। हमारी स्लीव्स यहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा है। नीचे हम मोड़ाई जो लेनी होगी हमें इस नेट प्लेन नेट से ले लेंगे हम। 19 इंच की हमारी लेंथ है तो हम 19.5 ले लेंगे। हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगा ऊपर सीधा। फिटे की हेल्प से हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे इसको। 3.5 इंच डाउन करेंगे हम स्लीव्स इस तरीके से। 7.5 हमारा मोंडा है तो हम 7.5 पर इस तरीके से लगाएंगे निशान। आगे जो है हमारा मार्जिन होगा सिलाई के लिए जो मार्जिन है इस तरीके से हम शेप दे देंगे। फिटिंग जो है हमारी 8 इंच की है तो 4 इंच रख लेंगे। देखिए स्लीव्स की फिटिंग हमारी 8 इंच की है तो हम 4 इंच पर हाफ पे लगाएंगे निशान। 4 इंच पर लगा लेंगे। आगे मार्जिन आप कितना भी रख सकते हैं। स्केल के शेप फिटे की हेल्प से हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। देखिए फ्रेंड्स हमारा 3 मीटर में पूरा ही सही तरीके से हमारी ड्रेस कट हो चुकी है। इसकी सिलाई की वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।